हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल में आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। योग मुद्रा एवं ज्ञान मुद्राएँ धारण कर लीजिए और प्रॉपर प्रश्वास करें। इनहेल एक्सहेल इसी प्रकार से आप करते रहें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पश्चिमोत्तान आसन के ऊपर है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे करना चाहिए और कैसे इसको किया जाना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत में मैं बिगनर्स के लिए बताऊंगा कि नए पर्सन को ये कैसे करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पश्चिमोत्तान आसन के बारे में। इसी प्रकार से इसको दोहराते रहें। इनहेल एक्सहेल। अब आराम से वापस आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं पश्चिमोत्तान आसन। सबसे पहले अपनी टांगों को आगे की ओर फैला लें। योगा मैट का प्रयोग करें। मैं योगा मैट बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत में सीखा था तो योगा मैट नहीं होते थे उस टाइम। होते तो फिर मेरे पास था ही नहीं। हाथों को ऊपर ले जाते समय श्वास को अंदर भरें और हाथों से अंगूठे टच करते टाइम, नीचे आते टाइम श्वास को धीरे धीरे रिलीज करते चले। इसी प्रकार से एक शुरुआती दौर में नए पर्सन को इस आसन को करना है। ये देखिए इस प्रकार से आपने स्टार्टिंग में अपने सर को ऐसे लेकर जाना है। जब आपने सर को नीचे लेते हुए जाना है तो अपने श्वास को रिलीज करते हुए जाए। ओके, जहाँ तक आपका सर पहुँच जाए, फिर आपको दर्द महसूस हो तो फिर से एक और श्वास भरें और वहीं से स्टार्टिंग कीजिए। फिर से नीचे की ओर अपने घुटने की ओर अपना सर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए जाएं। ओके, अब आपने धीरे धीरे वापस आ जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखिए माथे को इस प्रकार से घुटनों के साथ टच करें। अब वापस आ जाएं। इनहेल एक्सहेल। नॉर्मल प्रश्वास करें, नॉर्मल ब्रीदिंग एज मच एज योर बॉडी। अब मैं आपको बैक व्यू बता देता हूँ किस प्रकार से आपने पीछे से आप मेरी पीठ को देख सकते हैं, किस प्रकार से अपने हाथों को आगे रखना है। ये देखिए इनहेल और ये हाथ आगे। ये देखिए इस प्रकार से आपने करते रहना है। वीडियो में आपको बता रहा हूं। अब आपने वापस आ जाना है। अब मैं आपको दूसरी साइड से करके बता देता हूँ। अपने अंगूठों को पकड़ें, इस प्रकार से आपको अपने कोहनियों को नीचे लगाना है, जमीन के साथ टच करना है। ओके, पीछे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताया। अब मैं बताऊंगा जो कि योगा प्रैक्टिशनर है उनके लिए इस प्रकार से इस आसन को करना चाहिए। चलिए अब फ्रंट व्यू। प्रॉपर इनहेल। नीचे आते टाइम एक्सहेल, श्वास को रिलीज करें।
जो लोग योगा की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए इस प्रकार से एडवांस लेवल में आपको करना है। ये देखिए, पहले मैंने एक ग्रिप बनाया हुआ अपने दोनों हाथों का, अब मैं दोनों हाथों के कलाई को पकड़ लूँगा इस प्रकार से। पहले एक हाथ को पकड़े इसी पोजीशन में, फिर दूसरे हाथ को होल्ड करें इसी पोजीशन में। इससे आपकी शोल्डर स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अपने माथे की जगह अब आप अपने मुंह को घुटनों के साथ टच करने की कोशिश करें। साइड व्यू में मैं आपको बताऊंगा। वापस आ जाएं, धीरे धीरे प्रश्वास करें। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी साइड से बता देता हूँ, जो लोग योगा की प्रैक्टिस निरंतर करते रहते हैं। इनहेल, श्वास अंदर और नीचे जाते टाइम श्वास बाहर। ये देखिए इस प्रकार से करें। पहले घुटनों को ऊपर उठाएं, छाती के साथ टच करें और फिर इस प्रकार से करें। ये देखिए टांगे बिल्कुल सीधी रहने चाहिए। ओके, ये देखिए अब माथे के बजाय अब मैं अपना मुंह टच करने की कोशिश करूँगा। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। अब वापिस आ जाएं, इनहेल एक्सहेल। अब दूसरी साइड से कर लेते हैं। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं। ये देखिए घुटने बिल्कुल सीधे, जंगा जमीन के साथ टच है। तो आइए अब मैं आपको इस आसन के लाभ बता देता हूँ। ठीक है, पहले टेक्निक बता देता हूँ। टांगों को सीधे रखने का प्रयत्न करें, सिर घुटनों की ओर धीरे धीरे ले जाएं, झटके से नहीं। इसी बीच में आपने शवासना कर लेना है। शवासना का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निक। लेग्स टू बी कीप स्ट्रेट स्ट्रेच्ड, द फोरहेड टू टच द नीज विदाउट जर्की मूवमेंट। इस आसना को करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, कब्ज दूर होती है, टांगों कमर तथा पेट की नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिगर तिल्ली को लाभ पहुंचता है, बड़े फैट को ठीक करता है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, नाभि के दोष दूर होते हैं। ओके, इम्प्रूव्स डाइजेशन, क्योर्स कॉन्स्टिपेशन, बेनिफिट्स लीवर स्प्लिन, यूजफुल फॉर नर्वस सिस्टम। ओके, इस आसना को करने से आपकी खाने की क्षमता बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, कब्ज भी दूर रहती है और टांगों कमर तथा पेट की नाड़ियों को शुद्ध करता है, जो कि नाड़ी शोधन। ओके, जिनकी नाड़ियों में ब्लॉकेज रहती है उनके लिए आसन बहुत ही अच्छा है। जिगर तिल्ली को लाभ पहुँचता है, बड़ी हुए फैट को ठीक कर देता है, यानी कि जिनका वजन बढ़ा हुआ है लोअर बेली का, उनको ठीक कर देता है। तो चलिए वापस आ गए अब शवासना से। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आपने एकदम दोनों घुटनों को नीचे लगा लेना है। इस प्रकार से आपने प्राणायाम को करना है। एक गहरी श्वास अंदर भरें, दो से तीन बार डीप ब्रीथिंग। अब हम करेंगे प्राणायाम। एक नासिका से श्वास को लेना है तो दूसरी से छोड़ देना है, बिल्कुल धीरे धीरे। इसी प्रकार से प्राणायाम को 5 से 6 बार में रिपीट करें। एक नासिका से श्वास को लें तो दूसरी से
छोड़ दें और दूसरी से ले तो पहली से छोड़ दें। अब आपने अपने हाथों को रब करना है, आपस में रगड़ना है और रगड़ने के बाद आपको गर्मी महसूस होगी और उन हाथों को अपनी आंखों के साथ स्पर्श करें। अब आपको जीवन ऊर्जा का आभास होगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोस्चर के लिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। धन्यवाद।